आपने अपना अगर वीडियो के वाई सी के जरिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन किया है जिसमें आपने 2000 रुपया भी डिपॉजिट कर दिया। देखिए बहुत ही कुछ है, क्या करते हैं उनको लिंक सेंड किया जाता है, उस लिंक के जरिए 500 रुपया आपको मेंटेन बैलेंस आपको डिपॉजिट करना रहता है। लेकिन बहुत ही कुछ है, 2000 रुपया जो वीडियो के वाई सी वाला एजेंट होता है वो बोलता है कि 2000 रुपया आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा क्योंकि आपका मेंटेन बैलेंस रहेगा। तो बहुत ही कोई क्या करते हैं 2000 रुपया डिपॉजिट कर चुके हैं या बहुत ही कोई जो अगर अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से आप लोग उतना रुपया अभी डिपॉजिट मत कीजिएगा क्योंकि इनका अकाउंट नंबर भी आपके पास नहीं प्रोवाइड होता है। ये पेमेंट जो है आपको एक लिंक के जरिए सेंड किया जाता है, एक लिंक सेंड किया जाता है, उसके बाद आपको 2000 रुपया मेंटेन बैलेंस जो होता है वो पेमेंट करना पड़ता है। अगर जिनका अकाउंट नंबर, देखिए सबसे पहली बात की वीडियो के वैसे वाला अकाउंट नंबर कितने दिन में ओपन होता है वो भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, इसमें आपको लगभग समय लग जाएगा 2 से 2.5 महीने का समय, किसी किसी का 3 महीने का भी समय लग सकता है। बहुत ही कुछ जो है ये सवाल भी कर रहे हैं कि सर हमारा इतना दिन हो गया अभी तक अकाउंट ओपन नहीं हुआ है। देखिए वीडियो के वाई सी अकाउंट जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, इनका वेबसाइट भी काफ़ी डिले है, वेबसाइट है और इनका सर्विस भी है। आप इनका ऐप ले लीजिए या इनका कोई भी वेबसाइट या ATM कार्ड या कुछ भी इशू ले लीजिए, इनका जो है बहुत ही प्रॉब्लम चलता है, मतलब इनका जो काम होता है बहुत ही स्लो होता है क्योंकि आपका जो वीडियो के वाई सी हुआ है वही अगर आप दूसरे बैंक में करेंगे आपको इंस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है। कहीं ऐसा बैंक होता है कि जैसे पेटीएम अगर आप ओपन करवाओगे 3 दिन में का समय लेता है, 3 दिन के बाद आपका अकाउंट ओपन कर देता है, लेकिन इस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 3 महीने का समय लिया है। एक मतलब एक आदमी का KYC वेरीफाई करने में उनको 3 महीने का समय लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब आपका डिटेल का सारा लेके आपका वीडियो KYC कंप्लीट हो रहा है, उन सारा डिटेल को वो मुंबई के हेड ब्रांच में भेजते हैं। मुंबई के हेड ब्रांच में भेजने के बाद वहाँ आपका KYC वेरीफाई किया जाता है। वहाँ पर आपको अगर आप लोगों ने ईमेल आईडी दिया होगा वहाँ जो है KYC वेरीफाई नंबर, आपको सेंट्रल KYC बोल के एक सेंट्रल KYC नंबर भी आ गया, अगर आपका वो नंबर आ जाता है यानी कि आपका KYC वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया, उसका एक सर्टिफिकेट भी होता है, आपको उसे ईमेल पे सर्टिफिकेट भी नंबर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका जो ब्रांच कोड है, आपने ब्रांच चुना होगा, जिस एरिया का ब्रांच चुना है या जो भी ब्रांच कोड चुने हैं, एक कोड रहता है ब्रांच का 5634, मतलब जहाँ का ब्रांच हो आपने चुना है वहाँ का डिफरेंट डिफरेंट कोड रहता है। जैसे हमारे सिलीगुड़ी का एरिया का एक ब्रांच रहता है, सिलीगुड़ी में तो देखिए उसका जो हेड ब्रांच है उसके नीचे भी 2-3 ब्रांचेज रहते हैं। जो भी आपने ब्रांच का कोड दिया है उस ब्रांच कोड में आपका सारा डिटेल ऊपर से ही भेजा जाएगा, उसके बाद वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद आपका KYC अगर देखेंगे कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स में इशू नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट्स आपका सही दिए हुए हैं, उसके बाद आपका KYC वेरीफाई करके आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन कर दिया जाएगा। इन सभी प्रोसेस में आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने या किसी को 3 महीने का भी वेट करना पड़ सकता है। उसके बाद जो भी आपका प्रोसीजर होगा उसे कंप्लीट करके आपके फ़ोन पे ईमेल पे आपका अकाउंट नंबर, IFC कोड, ब्रांच कोड आपके साथ शेयर किया जाएगा। वैसे ब्रांच कोड जो होता है वो आपको कौन सा ब्रांच दिया गया है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि आप ब्रांच जब चुनते हैं, जब फॉर्म फिलअप करते हैं उस समय आपको ब्रांच चुनना पड़ता है, उसके बाद ही आपका सारा डिटेल। और ये जो वीडियो KYC वाला अकाउंट है इसका ओपन होने का समय लगभग 3 महीना है। मैंने ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता किया था तो उन्होंने कहा कि सर हमारा जो वीडियो कॉल प्रोसेस है अभी नया है, स्टार्ट हुआ है, इसके प्रोसीजर में हमें 3 महीने का समय लग जाता है एक आदमी का KYC वेरीफाई करने में। वैसे हो सकता है 2023 में इनका नया अपडेट के साथ KYC जल्दी हो जाए। मैं उम्मीद रखूंगा जिनका भी 2000 रुपया जो डिपॉजिट किए हुए उनको तो एक्चुअली करना नहीं था, लेकिन 2000 रुपये काफ़ी हाई डिपॉजिट कर दिया, आपको 500 रुपये ही सभी प्रोसीजर के बाद कंप्लीट करने के बाद 2 से 3 महीने के बाद आपके अकाउंट में एक मैसेज भेजा जाएगा जिसमें आपका अकाउंट नंबर, IFC कोड, ब्रांच कोड तीनों आपके साथ शेयर किया जाएगा। उसके बाद अपना जो भी आपने ब्रांच चुना है उस ब्रांच में जाके अपना पासबुक ले सकते हैं, पासबुक आपको ब्रांच विजिट करके लेना होगा और वेलकम किट की बात करें ATM कार्ड, चेकबुक दे सकते हैं, वरना 2023 में इनका प्रीपेड कार्ड लॉन्च होने का बात चल रहा है, हो सकता है आपको प्रीपेड कार्ड ही प्रोवाइड किया जाए, फिजिकल कार्ड के लिए अलग से आपको चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा। आई होप आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी सवाल हो कमेंट में कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय।